हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज हम राजस्थान वन रक्षा के पेपर को सॉल्व करेंगे जो 12 नवंबर 2022 को प्रथम पारी में हुआ है, जिसमें राजस्थान जीके के 60 से 70 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके आंसर की हम आपको सही व सटीक उत्तर देंगे। तो दोस्तों, क्लास को एंड तक जरूर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना देर के हम पेपर को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वनरक्षक के पेपर में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 41वां प्रश्न, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। दूसरा है, उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। निम्न में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही होगा। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। 42वां प्रश्न, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जसवंत सिंह राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे। ठीक है, 47वां प्रश्न, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? तो दोस्तों चावंड महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक राजधानी रही चावंड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो दोस्तों जयपुर जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, 45वां आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46वां प्रश्न, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो दोस्तों उदयपुर का राजस्थान में विलय तीसरे चरण में हुआ था, वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो 46वां आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 अप्रैल 1948 को। 48वां प्रश्न, निम्बाड़ी उप बोली है? तो दोस्तों निम्बाड़ी उप बोली मालवी भाषा की उप बोली है। ठीक है, 48वां आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। पहला, लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागौर से पशुपालन के अवशेष मिले। तो दोस्तों बागौर सभ्यता है जो, ये है कोठार नदी के किनारे, ये लूनी नदी के किनारे नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आर्ट स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। आर्ट स्थल का संबंध नवपाषाण काल से नहीं है, नवपाषाण काल का संबंध बागौर सभ्यता से है। ठीक है, नवपाषाण काल का संबंध बागौर सभ्यता से है। तीसरा है, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, तीसरा, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले, तो केवल तीन सही होगा, तीसरे केवल तीसरा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 51वां प्रश्न, गलत युग्म चुननी है। तो दोस्तों एक तरफ तो छतरी दे रखी है और दूसरी तरफ स्थल दे रखा है, और यहाँ पर हमें गलत युग्म चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों पहला है 18 खंभों की छतरी, तो दोस्तों 18 खंभों की छतरी कोटा में नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये। ठीक है, दूसरा है ब्राह्मण देवत्य छत्री मंडोर में, ये ऑप्शन सही है। मामा भांजा की छत्री जयपुर में, तो दोस्तों ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कुंभलगढ़ में, तो ये भी सही है। तो दोस्तों हमारा इसमें गलत युग्म हो जाएगा एक और तीन। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। 52वां नंबर का प्रश्न, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो दोस्तों सुदर्शनगढ़ का किला, ये नाहरगढ़ जयपुर के दुर्ग का नाम है। ठीक है, 52वां नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नारगढ़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें 53वां प्रश्न, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो दोस्तों भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हमारे डॉक्टर गौरीशंकर ओझा हैं। ठीक है, 53वां नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। 54वां प्रश्न, चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों चार चौमा का शिव मंदिर ये कोटा जिले में स्थित है। ठीक है, 54वां नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कोटा। 55वां नंबर का प्रश्न, आधुनिक युद्धों का सही कालानुक्रम है? तो दोस्तों यहाँ पर युद्ध दे रखे हैं और इनको समय से हिसाब से इनको व्यवस्थित करना है। तो हमारे इस युद्धों में से प्रथम युद्ध हुआ, मतलब इससे पहले युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, इन युद्धों में से पहला युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, उसके बाद हुआ था गिरिसमेल का युद्ध। ठीक है, उसके बाद हुआ था हल्दीगड्डी का युद्ध, उसके बाद दिवेर का युद्ध हुआ था। तो इसका हमारा काल, मतलब इसका हमारा कूट हो जाएगा पहला चौथा दूसरा। तो इसमें हमारा पहला चौथा दूसरा किस में है? बी ऑप्शन में है। ठीक है,
पहला, चौथा, दूसरा, और इसके बाद हो जाएगा तीसरा दिवेर का युद्ध। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, 1, 4, 2, 3, ठीक है, 55 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 56 नंबर का प्रश्न, डूंगर जी जवाहर जी किस जिले के थे? तो दोस्तों डूंगर जी जवाहर जी ये सीकर जिले के थे, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना 1933 में हुई थी, ठीक है। 58 नंबर का प्रश्न, राव बीकानेर ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों राव बीकानेर ने 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की थी, ठीक है, बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में की थी। 60 नंबर का प्रश्न, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो दोस्तों तारा शर्मा है जो भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। बेनेश्वर का मेला कब भरता है? तो दोस्तों बेनेश्वर का मेला हाल ही में भरा हुआ है, माघ पूर्णिमा को भरता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न, विग्रहराज रचित रचना हरकेली है? तो दोस्तों हरकेली एक नाटक है, ठीक है, विग्रहराज रचित रचना हरकेली एक नाटक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर का प्रश्न, लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत है? तो दोस्तों लालनाथ जी ये हैं जसनाथी संप्रदाय से संबंधित हैं, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर का प्रश्न, बेलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो दोस्तों बेलाड़ा आई माता से संबंधित हैं, ठीक है, या आई माता का प्रसिद्ध स्थान है बेलाड़ा, ठीक है, जो जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न, पन्ना मीना का कुंड स्थित है? तो दोस्तों पन्ना मीना का कुंड जयपुर में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया? तो दोस्तों हमारे सांभर जिले को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया था, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर सुमेलित नहीं है बताना, ठीक है, जोधपुर सभी ये भी सही है, ओजैना खारी ये भी सही है, कालीबंगा गगर ये भी सही है, बालाथल कांतली नदी, तो दोस्तों ये बालाथल तो उदयपुर में और कांतली नदी नदी के किनारे तो गणेश्वर से बहता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है, बालाथल उदयपुर में स्थित है और इसके कांतली नदी के किनारे गणेश्वर से बहता है, ठीक है। 69 नंबर का प्रश्न, किस लोक देवता का मंदिर लुनी नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसमें से हमारे मल्लनाथ जी का मंदिर, ठीक है, यह लुनी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो दोस्तों रागमाला है जो उदयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। 71 नंबर का प्रश्न, आगेबाण के संपादक थे? तो दोस्तों आगेबाण के संपादक जयनारायण व्यास थे और इनका संबंध जोधपुर से है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से करिए। तो दोस्तों जसवंतड़ा ये है जोधपुर में स्थित है, ठीक है, और लालगढ़ महल ये बीकानेर में, और फूल सागर महल ये बूंदी में है, और जगदीश मंदिर ये उदयपुर में है, तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा जसवंतड़ा का ए का हो जाएगा 3, ठीक है, ए का हो जाएगा 3, इसमें भी है और इसमें भी है, उसके बाद है लालगढ़ महल बीकानेर में, तो एक बी का 4, तो ये वाला कोड सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर का प्रश्न, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि 5 वर्ष है, आंसर बी सही हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कूट चुनिए। तो पहला है पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, ऑप्शन ए सही है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापमान अधिक पाया जाता है, ये ऑप्शन बी भी सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन 1, 2, 3, तो यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ये वाला डी सही हो जाएगा, ठीक है। 76 नंबर का प्रश्न,
बिलों के वस्त्र के संदर्भ में फेटा है। तो दोस्तों फेटा एक पगड़ी है, ठीक है, एक प्रकार का सिर का वस्त्र है। फेटा एक प्रकार का सिर का वस्त्र है जो इसे पगड़ी कहते हैं, ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। लूनी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये बात सही है, लूनी नदी यानी लूनी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। तो दोस्तों गिरवा पहाड़ियाँ हैं जो उदयपुर में चंद्राकार आकृति में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी भी सही, ये दूसरा भी सही है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, गग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित नहीं है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन ए और दो, ठीक है, एक और दो, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 77 नंबर का आंसर हो जाएगा एक और दो। 78 नंबर का प्रश्न, सासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो दोस्तों सासी जनजाति ये सर्वाधिक भरतपुर जिले में पाए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ए डब्ल्यू सिक्कर चूरू, तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और बी एस एच डब्ल्यू बाड़मेर जालौर, तो ये ऑप्शन भी सही है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जैसलमेर पश्चिम बीकानेर, तो दोस्तों ये भी सही है। और सी डब्ल्यू जी अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, तो दोस्तों ये ऑप्शन भी सही है। दोस्तों ए डब्ल्यू इसमें सिकर चूरू नहीं आएंगे, इसमें हमारा आ जाएगा सोयमाधोपुर धौलपुर ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 80 नंबर का प्रश्न, गोवंश की कौन सी नस्ल मल्लाणी भी कहलाती हैं। तो दोस्तों थार पाकर नस्ल है जो मल्लाणी भी कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। 81 नंबर का प्रश्न, आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता ये स्वर्ण निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, स्वर्ण निक्षेपों हेतु, ठीक है। 81 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 82 नंबर का प्रश्न, कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों कोटा बूंदी झालावाड़ में मध्यम काली मृदा पाई जाती है, ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है इस कोटा बूंदी झालावाड़, ठीक है, इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। 83 नंबर का प्रश्न, आजम और जजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। तो दोस्तों आजम और जजम प्रिंट ये अकोला चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित हैं, ठीक है, आंसर 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। 84 नंबर का प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात झुंझुनू जिले में था, ठीक है, आंसर ऐसे ही हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ब्लैक पोट्री है जो ये कोटा जिले से संबंधित है, ठीक है, और ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित है। तो 85 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कोटा, ठीक है, ब्लैक पोट्री कोटा से संबंधित है। 89 नंबर का प्रश्न, पटेलिया लालर मुम्मल और बीचियों हैं। तो दोस्तों पटेलिया लालर मुम्मल बीचियों ये राजस्थानी लोकगीत हैं, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने ये दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। 91 नंबर का प्रश्न, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। तो दोस्तों अकबर सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल जी को आमंत्रित किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न, आमेर के जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों आमेर के जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि साझा ने दी थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 93 नंबर का प्रश्न, लसड़िया का पठार अवस्थित है। दोस्तों लसड़िया का पठार ये उदयपुर में स्थित है, ठीक है। 94 नंबर का प्रश्न, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाएं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवा की शुरुआत 2015 में हुई थी, ठीक है, ऑप्शन सी। 95 नंबर का प्रश्न, मान सिम्मा ब्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन
मान सीमा भ्रंश राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में मिलता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें हमारा जिला आ जाएगा सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर। 96 नंबर का प्रश्न, कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों राज सिक्को वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है। 97 नंबर का प्रश्न, वह स्थान है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था? तो दोस्तों प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोंक को कहा जाता था, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए? दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला आ जाएगा धौलपुर, उसके बाद आ जाएगा अजमेर, उसके बाद आ जाएगा पाली, उसके बाद आ जाएगा जैसलमेर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4321, तो 4321 ऑप्शन सी वाला, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 98 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4321। 99 नंबर का प्रश्न, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों पंजाब शाह का उर्स ये अजमेर में मनाया जाता है। और दोस्तों अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा होता है, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा नहीं कहलाता, वो दोस्तों 2.5 दिन का उर्स होता है, उसी को हम पंजाब शाह का उर्स कहा जाता है, और उसी को हम 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। तो दोस्तों ये अजमेर में मनाया जाता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। 100 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है, तीजो कुरियो आठवो काल, इनमें से कुरियो का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसमें से कुरियो का अर्थ है अर्धाकाल, ठीक है, ऑप्शन सी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से 12 नवंबर 2022 को राजस्थान भवन रक्षा के पेपर हुआ है, जिसमें राजस्थान जीके के 60 से 70 प्रश्न पूछे गए, जिनके आंसर के हमने आपको दी। तो दोस्तों क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, धन्यवाद।